अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसा व्लॉग्स पे आप सब लोगों को खुश आमदेद। आज मैंने सोचा एक बड़े अच्छे टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, बड़े रिगार्डिंग जो प्रोफेशंस हैं दुबई में, जो है हाईली पेड प्रोफेशंस कौन कौन से हैं। सो मेरे जहन में ये आइडिया है कि मैं इसको शेयर करूँ, जो मेरा जो मैंने देखा है। सबसे पहली बात तो कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि मैं इतना हाईली पेड कोई सैलरी से कोई प्रोफाइल इतना नहीं है मेरा, कोई डॉक्टर इंजीनियर टाइप इस तरह का। बट मेरे को थोड़ा आइडिया है इस बारे में, मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है, मालूम आता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये ना बोलना कि यार इसकी खुद तो है नहीं, तो लेकिन नहीं है खुद, मैं इतना हाईली पेड नहीं है, मेरा कोई टॉप प्रोफेशनल लेवल नहीं है, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं तो। बट मेरे को मालूम है तो मैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो उसमें सबसे पहले जो मैंने यहाँ देखा है ना, वो तो ईयर्स मैंने देखा है कि जो हाईली पेड, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा जिसमें आप कमा सकते हैं, वो पहले तो है वो रियल इस्टेट है, क्योंकि दुबई जो है वो खड़ा हुआ है फाइनेंस पे, रियल इस्टेट पे और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स टूरिज्म प्लेज अनदर इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, बट जो रियल इस्टेट है दैट इज मैसिव, जाइगेंटिक, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें इसकी इन्वेस्टमेंट है। न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, एवरीडे न्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब अब जाइगेंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस। तो अब इसमें सारा सारी अब छान पट्टी की, जिसे कहते हैं शाना बंदा होता है, जो मतलब सैलरी तो ऑर्डिनरी सी होती है, बट जो रियल स्टेट के लोग हैं वो जब ये जो प्रॉपर्टीज सेल आउट करते हैं, रेंट करते हैं, तो डील्स करते हैं, सो दे मेक अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं इन टर्म ऑफ कमीशन। सो जस्ट इमेजिन कि वो 10% भी कमीशन लेते हैं, इफ दे सेल 1 मिलियन प्रॉपर्टी, सो जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी दे आर गेटिंग ऑन ऑन सेलिंग दैट 1 प्रॉपर्टी। सो द रियल इस्टेट में नो डाउट देर इज लॉट ऑफ मनी, एनी वन कैन अर्न। अब उसके लिए चलाकी आनी चाहिए उसमें, आपका रियल इस्टेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपका पाकिस्तान अपने अपने मुल्क का एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ के इसमें भी धक्के भी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको रिगरसली इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको चालाकियाँ दिखानी पड़ती हैं, आपको कस्टमर ग्रैब करने पड़ते हैं, घेरना पड़ता है। यू आर नॉट द ओनली वन, आप अकेले नहीं है, द लॉट ऑफ पीपल, द लॉट ऑफ कंपनीज, कॉम्पिटिशन, सो यू नीड टू बी बेस्ट अमंग देम टू ग्रैब द कस्टमर, टू गिविंग देम द बेस्ट डील्स। ऑफकोर्स द डील्स मैटर्स अ लॉट, के जो जो स्पेसिफिक रियल इस्टेट कंपनी है, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या डील्स दे रही हैं, अट्रैक्ट करना है बेसिकली आपने। यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स टू बाय द प्रॉपर्टी। यू नीड टू हैव अ सॉलिड रीजन टू टेल देम कि यार यस दिस इज द प्रॉपर्टी यू हैव टू बाय, सो इट विल बी ह्यूज बेनिफिट फॉर यू। और ऑफकोर्स उसको बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, इवन दो कभी जो कोविड की वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर बड़ा थोड़ा सा इंपैक्ट आया है, मतलब आया इंपैक्ट, इट हैज रियली डेंटेड द बैंकिंग सेक्टर। इवन इन बैंकिंग सेक्टर पीपल आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू कमीशन, यू नो समटाइम्स सैलरीज डजेंट मैटर, बिकॉज जो बैंकिंग और जो रियल इस्टेट के लोग हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को दे डोंट लुक इन टू द सैलरीज, दे ऑलवेज गो, दे ऑलवेज प्रेफर टू हैव द कमीशन, बिकॉज दे नो के वैन दे ग्रैप द कस्टमर्स, वैन दे गोन हैव द पोटेंशियल क्लाइंट्स, दे विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, सो दे हैव द सर्टन टारगेट्स इन द माइंड। अगेन आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, मेरा शायद उस तरह का नहीं है, बट मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, आई मेट लॉट ऑफ पीपल, वन ऑफ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जनरली आई हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, सो आई केम टू नो अबाउट। सो इफ एनी वन हु इज रियली लुकिंग टू हैव अ गुड जेन्युइन जेन्युइन मनी, मतलब थ्रू अ प्रॉपर चैनल, तो सो दीज आर द टू सेक्टर्स विच आर रियली रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड पीपल हैव बीन रियली एडजस्टेड इन दैट। और ऑफकोर्स उसके बाद आ जाए डॉक्टर, डॉक्टरी आ जाती है, डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग सेक्टर आ जाता है, मतलब आप हाईली प्रोफेशनल आईटी के लोग हैं, मतलब यू हैव अ सर्टन स्किल्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स तो खैर मतलब मैं प्लांट्स तो नहीं है, बट इवन सेलिंग में मतलब जो मैं बात कर रहा था, सो दीज आर द हाईली पेड पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी अपार्ट फ्रॉम सैलरीज, सो समटाइम दे डोंट लुक इन टू द सैलरीज। मैसेज आता, सॉरी। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू ये थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट के हम देखते हैं ना कि वी ऑलवेज समटाइम वी थिंक हाउ पीपल आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, यस दे आर पीपल दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज दे हैव बीन एडजस्टेड, दे रियली वर्क, दे वेन दे एंटर्ड, दे जस्ट एंटर्ड इन दीज फील्ड, दे हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स, दे डिड अ रियली हार्ड जॉब ट्राइंग टू एडजस्ट इन कमीशन बेस, यू नो अ टारगेट बेस, जस्ट टू मीट द टारगेट्स, इफ यू आर नॉट मीटिंग द टारगेट्स ऑफकोर्स आप टर्मिनेट हो जाते हो, सो ये जॉब सडनली गोज
if you're not meeting the certain targets in real estate, in bankings, in any of the sales jobs. So यानी सेल्स से रिलेटेड जो है, जो आपने बेचना है किसी को, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल समथिंग टू समवन, जब आप कोई किसी चीज को, या किसी को कुछ चीज बेचने जा रहे हैं, सो दीज आर द सेक्टर्स वे यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी. सो मतलब ये एरियाज जो है इनमें आप जो है बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं. इसके लिए आपका माइंडसेट बड़ा सॉलिड होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर आप प्रेशर नहीं लें, आप कंफ्यूज ना हो, आप मतलब गिव अप ना कर जाएं, मतलब इसमें आप बिकॉज यू राइट योर ओन चेक. ऑफ कोर्स सेलिंग, मतलब हाउ टू सेल अ पेन, मतलब एक बड़ा कॉमन, एक बड़ा मशहूर फिक्र है, हाउ टू सेल अ पेन मीन्स कि यू नीड टू हैव द टेक्निक्स कि हाउ यू सेल योर प्रोडक्ट्स टू समवन, मतलब प्रोडक्ट को बेच कैसे रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो ये दीज आर द सेक्टर्स दैट अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ऑनेस्टली दे अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव सीन देम. सो सैलरीज बहुत छोड़नी है, बट इंजीनियर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, यू नो द पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ कोर्स, एंड देन दिस रियल इस्टेट, द बैंकिंग सेक्टर्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ऑनेस्टली. एंड आई होप के ये बड़ी इंफॉर्मेशन चीज़ों की जिनको पता था, वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता था उनको पता लग गया होगा. स्पेशली यंगस्टर्स, आई एम स्पीकिंग टू द यंगस्टर्स बिकॉज इफ दे वांट टू मेक अ कैरियर इन दिस, दे आर अर्ली 20s, दे आर जस्ट फिनिशिंग ऑफ देयर एजुकेशन एंड दे आर ट्राइंग टू मूव आउट, एंड इवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई मीन रियल स्टेट बैंकिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, रियल इस्टेट आई एम नॉट श्योर अबाउट रियल इस्टेट बैक इन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट इफ टॉक अबाउट बैंकिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन, देर इज नो डाउट इन दैट. अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन आई एम गोना कम विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड टॉपिक, एंड प्लीज कीप वॉचिंग अस व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.